क्या भारतीय जनता पार्टी पुत्र मोह का शिकार हुई और इसी वजह से उसके नैया डूब गई? जी हाँ, राजनीतिक हलकों में इस बात की बेहद चर्चा है कि थावरचंद गहलोत ने अपने बेटे के कारण अपने क्षेत्रों में प्रचार ठीक से नहीं किया और उनका बेटा भी चुनाव हारा और पार्टी को अन्य सीटों पर भी हार मिली। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जा रहा है कि वे अपने पुत्र के कारण क्षेत्र क्रमांक 3 में सिमट कर रह गए और मालवा और निमाड़ की जिन सीटों पर उनको ध्यान देना था वे वहां पर ध्यान नहीं दे पाए और यही वजह रही कि इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह प्रेमचंद गुड्डू के बारे में भी यह कहा जाता है कि प्रेमचंद गुड्डू के बेटे को टिकट देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट वहाँ से भी गंवा दी। अगर गुड्डू के बेटे को टिकट नहीं दिया जाता तो इस बात की संभावना प्रबल थी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती। इसी तरह से बदनावर में भी यही बात कही जा रही है कि वहाँ पर भंवर सिंह शेखावत तीसरे नंबर पर रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था कि वहाँ पर भंवर सिंह शेखावत की स्थिति बेहद कमज़ोर है। इसके बावजूद उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ाया गया।